सो गाइस सिर्फ वन क्लिक में एडिटिंग सिखाएंगे, फोटो स्कैन करेंगे, आप लोग का दूसरा फोटो बन करके तैयार हो जाएगा। एंड ऐसा एडिटिंग आज तक पूरे यूट्यूब पे आप लोग कोई बताया नहीं होगा। फोटो एक फोटो से दूसरे फोटो पे अटैच करेंगे, आप लोग का फोटो बन करके तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग का फोटो एडिटिंग 100% चेंज हो जाएगा। सिर्फ मेरे जैसा आप लोग फोटो बनाना सीख जाएंगे, एक फोटो से दूसरा फोटो आप लोग का बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मेरे चैनल बिना देर के बैठ को स्टार्ट कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ वन क्लिक में आप लोग का फोटो स्नैपशीट से आप लोग जैसे QR करेंगे तो आप लोग का फोटो बन करके तैयार हो जाएगा। कितना भी फोटो ब्लैक क्यों ना हो, कितना भी फोटो खराब क्यों ना हो, आप लोग का फोटो आज से सिर्फ वन क्लिक में आर्टिस्ट भाई बताने वाला है। सिर्फ आप लोग को QR अप्लाई करना है एंड आप लोग का फोटो बन करके तैयार हो जाएगा। एंड बहुत ज्यादा कमेंट आता है क्या आर्टिस्ट भाई फेस भी स्मूथ होगा? हाँ मेरी जान, फेस स्मूथ होगा, साथ ही साथ जो भी आप लोग का कपड़े का कलर चेंज होगा, साथ ही साथ आप लोग का बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। जो मेरा आप लोग फेस स्मूथ देखते हैं मैं इसी एप्लीकेशन से एडिटिंग करता हूँ सिर्फ वन क्लिक में QR कोड यूज करके। सो दोस्तों आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो सबसे पहले मैं गैलरी में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे ये मेरा थंबनेल है। आप लोग थंबनेल पे क्लिक करके आए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ मैं लिखा हूँ स्नैपशीट QR कोड फोटो एडिटिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना भी फोटो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मॉडल है एंड यहाँ पे सबसे पहले लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर हम आप लोग को लेकर के आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जितना भी फोटो है मेरा, ठीक है ना, जितना भी फोटो है आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो भी मैं प्रीसेट बनाया हूँ, ठीक है ना जी, वो मैं स्नैपशीट QR कोड अप्लाई करके मैं अपना प्रीसेट बनाता हूँ। तो अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो मान लीजिए ये प्रीसेट आप लोग बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक है ना, एक बार मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर आप लोग प्रीसेट यूज करते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है जितना आप लोग को मैं स्नैपशीट QR यूज करके आप लोग को मैं फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रीसेट आप लोग का कमेंट आता है ना यार आर्टिस्ट भाई कहाँ से डाउनलोड करते हो, कैसे बनाते हो। सो मेरी जान स्नैपशीट से QR कोड यूज करके हम लोग आप लोग को प्रीसेट बना करके दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अगर मान लीजिए ये प्रीसेट अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे ये वाला प्रीसेट हम लोग यूज करेंगे तो आप लोग के सामने देखिएगा कितना गजब तरीके से आप लोग का फोटो बन करके आ जाएगा। तो ये तो मान लीजिए लाइटरूम फोटो एडिटिंग हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्नैपशीट QR कोड फोटो एडिटिंग। तो चलिए मेरे जान आप लोग को क्या करना, एक फोन का और जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं बहुत सारा प्रीसेट डाउनलोड कर लेता हूँ गैलरी में एंड आप लोग को भी डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड QR फिल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चार पांच पहले आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है, मैं आप लोग के सामने डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। एंड आप लोग को एक फोन दूसरे फोन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इस फोन से आप लोग को स्नैपशीट ओपन करके फोटो को एड करके आप लोग को QR स्कैन कराएंगे तभी आप लोग का फोटो बन करके तैयार होगा। कि यहाँ पे मैं दो फोटो यानी मतलब दो प्रीसेट डाउनलोड कर लिया स्नैपशीट का, ठीक है, ओके। सो मेरे प्यारे दोस्तों मैं दूसरे फोन में QR कोड डाउनलोड करके भेज दिया हूँ यानी मतलब सेंड कर दिया हूँ, ठीक है। और फोटो बनाने के लिए आप लोग को करने क्या होगा, मान लीजिए मैं कोई सा ओरिजिनल फोटो ले लेता हूँ मॉडल का, ठीक है, यहाँ शेयर पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा स्नैपशीट, ठीक है ना जी। स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग फोटो को शेयर कर लेंगे एंड यहाँ पे देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, ठीक है ना जी, उस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। एंड हाँ, एक दूसरा फोन आप लोग को यूज 100% करना पड़ेगा क्योंकि मान लीजिए आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ असली रियल तरीके से, ठीक है ना, रियल तरीके से एडिटिंग हमेशा मैं सिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए QR कोड लुक, ठीक है, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा होगा स्कैन QR लुक, ठीक है, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है ना जी, तो हम शेयर पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे फिर से आप लोग को स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर करके शेयर के बगल में एरो का निशान होगा उस पर आ जाएगा QR लुक, ठीक है, स्कैन QR। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी मैं स्कैन कराया नहीं हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दूसरे फोन के अंदर यहाँ पे QR कोड आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लेकर के आएंगे, जैसे लेकर के आएंगे यहाँ पे वन क्लिक में फोटो आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। तो अभी ये ओरिजिनल QR कोड मैं आप लोग को नहीं बताया, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को मैं अभी बताऊंगा QR का आप लोग भंडार कहाँ से डाउनलोड करेंगे यानी मतलब एप्लीकेशन भाई एप्लीकेशन। आप लोगों को मैं बता दिया ना कैसे आप लोगों को QR स्कैन करना होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए यही फोटो मैं दूसरा QR यूज करता हूँ तो आप लोग के सामने देखिएगा कितना गजब तरीके से वर्क करेगा यानी मतलब कि काम करेगा, ठीक है। फिर से आप लोग शेयर के बगल में एरो का निशान होगा QR, ठीक है, फिर से स्कैन QR एंड यहाँ पे ये वाला QR कोड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला QR कोड बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ना मेरी जान, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं भाई एप्लीकेशन आप लोग बताने वाले हैं, ठीक है ना, QR का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग अपने मन मुताबिक आप लोग अपने फोटो को एडिटिंग करना सीख जाएंगे। एंड जो भी आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं Lightroom, Autodesk, स्नैपशीट, पिक्सआर्ट, आज से आप लोग भूल जाएंगे क्योंकि मैं आप लोग को चलिए बताता हूँ एप्लीकेशन का क्या नाम है। एक बार मैं फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा QR कोड है, बहुत सारा QR कोड है,
अपने फोटो के हिसाब से आप लोग यहाँ से QR कोड डाउनलोड करके आप लोग अपना फोटो पर्सनली भाई पूरा फुल HD हाई क्वालिटी बना सकते हैं, ठीक है ना मेरे जान। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो सबसे पहले आप लोग आ जाएगा होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा QR कोड, ठीक है, फाइल, ठीक है ना जी। तो यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा अवेलेबल, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार मैं ओपन करके दिखाता हूँ QR कोड फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं ओपन करता हूँ, यही एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग भर भर के QR कोड डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हल्का सा लोडिंग लेगा, एंड यहाँ पे आप लोग के सामने देखिए मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ, डाउनलोड QR फिल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा, एंड एप्लीकेशन का नाम है QR, ठीक है, कोड फिल्टर्स एंड फाइल्स, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आशा करते हैं मैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इंटरनेट से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो आज के लिए थैंक यू सो मच मेरी जान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंजॉय हो सिद्ध बाबा।